नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबर फास्ट से। पुलिस ने हिंदू महासभा की पूजा पांडे और उनके पति अशोक पांडे को किया गिरफ्तार। योगी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। प्रियंका गांधी लखनऊ में रोड शो से करेंगी मिशन 2019 का आगाज। 11 फरवरी को जाएंगी राजधानी। मोदी के भारत की बात के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू किया अपनी बात राहुल के साथ। राम मंदिर पर बीजेपी का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव तक नहीं उठाया जाना चाहिए राम मंदिर का मुद्दा। बिग बॉस 11 के विनर रही टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम और चरण सिंह सपरा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शाहरुख खान ने खुला राज, आखिर क्यों नहीं कर पाते हैं अक्षय कुमार के साथ काम। हिना खान ने छोड़ा एकता कपूर का शो, विदेश जाने की कर रही तैयारी। अनुष्का शर्मा के बाद आप नजर आई आलिया भट्ट की हमशक्ल। कैंसर होने के बावजूद आयुष्मान खुराना की पत्नी ने फैशन शो में किया रैंप वॉक। T20 में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड सबसे खराब, पहला मैच आज शुरू। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया कप्तान मिताली राज इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के बाद संन्यास की घोषणा कर सकती हैं। रवि शास्त्री ने कहा अश्विन और जडेजा नहीं, कुलदीप है विदेश में भारत का नंबर वन स्पिनर। बैसाखी के सहारे स्टार फुटबॉलर नेमार ने मनाया अपना 27वां जन्मदिन। हार्दिक पांड्या केएल राहुल मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अब खबरें विस्तार से। रामपुर में लगातार झोलाछाप डॉक्टर जच्चा और बच्चा को प्रसव के दौरान मौत के घाट उतार रहे हैं, मगर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सीएमओ और पुलिस भी मिले हुए हैं। आपको बता दें, बिना डिग्री बिना पंजीकरण के खोले जा रहे हैं ये अस्पताल, साथ ही भारी डॉक्टर के नाम लेकर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर खामोश बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये पूरा मामला रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के ककरवा गांव का है, जहां एक महिला झोलाछाप डॉक्टरनी ने गांव की ही महिला को प्रसव के दौरान उसकी बच्चेदानी को ही खींचकर निकाल दिया, जिससे महिला को ब्लीडिंग होने लगी और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पति राजकुमार ने थाने जाकर पुलिस से झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही के लिए तहरीर दी, परंतु पुलिस ने पीड़ित पति की नहीं सुनी और उसे उल्टा धमकाकर भगा दिया। राजकुमार जी, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? सर, हुआ ये था कि मेरी बीवी जो थी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। फिर मैंने अपने जो गांव की डॉक्टर नहीं है, हमारे पड़ोस में क्लिनिक है उसका, वो चलाती है यहाँ पे क्लिनिक, तो उसको बुलाया। किस नाम से चलाती है? कृष्णा नाम है उसका, कृष्णा नाम से इसका क्लिनिक चलता है। अच्छा, तो उसको मैंने बुलाया, तो उसने चेक किया, उसने मुझसे बोला शाम तक आपके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैम, कर दीजिए। तो मैं तो घर से चला गया, लेकिन जब मैं दोपहर में आया तो उसको तकलीफ हो रही थी, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाई थी। फिर मैंने उसको बोला अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप बताइए, मैं कहीं और ले जाऊंगा। तो बोली नहीं, मैं नॉर्मल यहीं पर निपटा दूंगी, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर आप यहीं निपटा देंगी तो। फिर उसने मुझसे बोला, एक घंटे के बाद मैंने अपनी जो मेरी मौसी है रामपुर में रहती है उनसे मैंने बात कराई कि अब बता दीजिए आप, अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं रामपुर ले जाता हूँ। तो उनको भी उसने वही बोला कि मैं 2 बजे तक इसकी डिलीवरी 2 घंटे में निपटा दूँगी, 2-2.5 घंटा लगेगा, नॉर्मल निपटा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बोली नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, आप घबराइए मत, हम बेफिक्र थे इसलिए। तो उसने जब डिलीवरी करी तो हमारे लड़की तो नॉर्मल पैदा हो गई, लेकिन उसने जो लड़की जब पैदा हुई तो पता नहीं क्या उसने क्या खींचा था, नहीं उसकी बच्चेदानी ब्लीडिंग होने लगी। फिर हम रामपुर ले गए, रामपुर में किसी ने हाथ नहीं रखा। अच्छा, फिर हम सीधे तीर्थांकर ले गए, वहाँ जाके उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई इलाज के दौरान। जी जी, तो आप इसमें FIR दर्ज करा रहे हैं आप? जी, अभी मैं FIR कराऊंगा इसका। कहाँ, थाने जा रहे हैं? जी जी, क्या चाहते हैं आप इसमें? सर, क्या जाना है इसमें, उसके खिलाफ FIR कराऊंगा, कुछ तो हो ताकि आगे को किसी दूसरे को नुकसान। कितने लोगों की मौत के घाट उतार चुकी है सर? समथिंग यहाँ तो 3-4 तो मेरे देख रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। फतेहपुर जनपद में मलवा थाना क्षेत्र के भसौरा गांव की झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झाड़ियों से बाहर निकालकर परिजनों को सूचित किया। वही शव मिलने की सूचना परिजनों को मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के ससुर की माने तो उन्होंने कहा कि ये घर से कानपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन कानपुर नहीं पहुंचा। सुबह जब पुलिस का फोन आया तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके बेटे का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ है।
वहीं एसपी ने बताया कि एक 33 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में मिला है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा का पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। थाना मलवा क्षेत्र में कानपुर नगर का धीरेन तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, इसकी डेड बॉडी मिली है। शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट नहीं है, उल्टी वगैरह हुई है। इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं है। वही जालौन की उरई पुलिस और एसआईटी टीम ने सर्दी के मौसम में शहर में हुई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो छात्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि बीते एक माह पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले मनीष दीक्षित के घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए थे। चोरों ने उनके मोटरसाइकिल पे हाथ साफ कर दिया, जिस संबंध में कोतवाली पुलिस से मनीष के द्वारा दी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की कड़ी मेहनत करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा उनके पास से चुराए गए सामान के साथ मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है, जिसके संबंध में आज जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली उरई क्षेत्र में चोरी की घटना हुई। इस संबंध में कोतवाली की टीम और एसआईटी टीम उसके अनावरण के लिए लगी हुई थी। इसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और काम करते हुए हमारी टीम ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं यूपी के रामपुर की। रामपुर में अल्पसंख्यक कल्याण एवं सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा है कि किन्नर भी हमारे परिवार और हमारे समाज का हिस्सा है, सभी को इनकी मदद करनी चाहिए। रामपुर के टांडा स्थित पृथ्वी वैकेट हॉल में अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन संबोधित किया गया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किन्नर अभी हमारे समाज का एक हिस्सा है, समाज के हर वर्ग के लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। वही नायक मुन्नी किन्नर ने राज्य मंत्री बलदेव औलख को सम्मानित भी किया, साथ ही राज्य मंत्री को मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। एक राष्ट्रीय सम्मेलन है और मुझे जानकारी में आया है कि ये हर साल ये राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, कोई जगह बदल कर। इस बार इन्होंने हमारे रामपुर में टांडा तहसील में किया है और पार्टी के लोगों ने आग्रह किया था कि इस सम्मेलन में शिरकत करनी है। मैं सम्मेलन में आया हूँ क्योंकि ये जो किन्नर समाज है ये भी अपने ही समाज के बीच का परिवार है और किसी ना किसी उसमें ये हम लोगों के साथ है, जुड़ा रहता है और हमेशा खुशी की कामना करता है और खुशियों में ही इनका जाना आना रहता है। तो इसलिए हमने समझा कि इस उन्होंने सम्मेलन बुलाया है, मैं सम्मेलन में आया। वही लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर से प्रत्याशी के बारे में राज्य मंत्री ने बताया कि बीजेपी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी है, उसके कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में है। रामपुर से चाहे आजम खान चुनाव लड़े या जयप्रदा, ये केंद्रीय संगठन तय करता है कि यहां से कौन सा चेहरा चुनाव लड़ेगा। अब बात करते हैं मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। बुधवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। इस खराब मौसम के चलते यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम में आए बदलाव की वजह से बुधवार को दिल्ली आने जाने वाली 14 ट्रेन लेट हैं। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली और इससे सटे रेवाड़ी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, नूह बुलंदशहर, अमरोहा, सियाना और ग्रेटर नोएडा में बारिश का पूर्वानुमान है। फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। इससे पहले मंगलवार को धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिली थी। इससे पहले मंगलवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।